इंदौर शहर जिसकी अपनी अलग ही लाइफ स्टाइल है, जो इस महामारी के कारण पूरी तरह बदल चुकी है, अब इसी लाइफ स्टाइल के साथ कोरोना के चलते इसी तरह जीना होगा। बस इंदौर शहर जिसकी अपनी ही एक अलग सी लाइफ स्टाइल है, जो इस महामारी के कारण पूरी तरह से बदल चुकी है, अब इसी लाइफ स्टाइल को कोरोना के चलते और कोरोना के बाद एडजस्ट करना होगा और इसी तरह जीना सीखना होगा। ये बात इंदौर CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया द्वारा की गई है। लोगों को प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, जिससे कि यह संक्रमण फैल नहीं सके। दरअसल इंदौर शहर में कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं कोरोना की चेन इंदौर में टूटने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं लॉकडाउन का चौथा चरण भी चल रहा है, जिसके चलते कई आर्थिक गतिविधियों को भी शुरू कर दिया गया है, जो कि एक चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं आर्थिक गतिविधियों के कारण स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चुनौती भी खड़ी हो चुकी है। कल 83 नए केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3000 के नजदीक 2933 पहुंच गया। 24 घंटे में दो और मौत के बाद आंकड़ा भी शतक पार 111 हो गया। CMHO ने कहा कि पॉजिटिव आंकड़ों पर ध्यान नहीं दे, जितने ज्यादा जांच होगी उतने ही ज्यादा केस सामने निकल कर आएंगे, और यह एक अच्छी बात है कि जल्द ही पॉजिटिव केस का पता चल जाएगा, जिससे कि यह संक्रमण रोकने में सार्थक सिद्ध होगा। कल 101 कोरोना योद्धा जंग जीत कर अपने घर लौटे, जिसके बाद कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 1381 हो चुकी है। कितने पेशेंट्स इंदौर शहर में और बढ़ चुके हैं, और आखिर क्या वजह है सर, इंदौर में लगातार जो संक्रमितों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है? कल कुल 926 सैंपल्स रात तक लगाए गए थे, जिनमें से 841 नेगेटिव और 83 पॉजिटिव आए थे। उन्हें मिलाकर टोटल 2933 अपने पॉजिटिव केसेस हो गए हैं। जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं केसेस बढ़ते जा रहे हैं या निकलते जा रहे हैं, उसका कारण ये है कि हमारा सर्वे सघन सर्वे हम लोग कर रहे हैं। एक एक घर में जाकर लोगों को देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ संक्रमण है अथवा उनको कोई लक्षण है। जो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि जो भी हमारे पेशेंट्स रहते हैं, जो पुराने पेशेंट्स रहते हैं, इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है किसी भी ऐसे इस तरह के संक्रमण में पता करने का कि संक्रमण की क्या स्थिति है किसी क्षेत्र में। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से हम प्राइमरी किसी प्राइमरी कॉन्टैक्ट को, प्राइमरी कॉन्टैक्ट के बाद उसके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट को, उनको लगातार हम ट्रेस करते जा रहे हैं। और इसके बाद ऐसे क्षेत्रों में भी जो बफर जोन के बाद का क्षेत्र है, वहाँ भी हमने लोगों की टेस्टिंग की है और वहाँ भी पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र नए क्षेत्र में भी निकल कर आए हैं जो कि हमें पॉजिटिव मिले हैं। कंटेनमेंट क्षेत्र की बात की जाए सर, तो लगातार जो है वो नई जगहों से पेशेंट मिल रहे हैं, तो आखिरकार कितना चुनौतीपूर्ण है ये दौर? नंबर्स ऑफ कंटेनमेंट, हाँ, नंबर का जहाँ तक सवाल है तो कंटेनमेंट क्षेत्र को हमने मर्ज किया है। कई जो बड़े बड़े छोटे छोटे कंटेनमेंट क्षेत्र थे, पास पास के कंटेनमेंट क्षेत्र की हमने बाउंड्री को मिला दिया है और अब उनको एक साथ कर दिया है, तो कुल मिला के 42 कंटेनमेंट क्षेत्र इस समय हमारे शहर में है। और जहाँ तक आपका ये कहना है कि नए कंटेनमेंट क्षेत्र जो निकल रहे हैं, तो अभी कुछ 2-3 ऐसे क्षेत्र नए उभर कर आए हैं जहाँ पर हमारे नए केसेस अभी काफ़ी मात्रा में निकले। कौन कौन से इलाके हैं? नेहरू नगर, मल्हारगंज और पाटनीपुरा वाला जो क्षेत्र है, मालवा मिल के आसपास का क्षेत्र जो है, वहाँ पर काफ़ी केसेस अभी। नेहरू नगर जो है वो गढ़ बन गया है कोरोना का, वहाँ बड़ी तादाद में कोरोना के संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, क्या चुनौती मानते हैं बड़ी? कल भी मैंने इस विषय पर बात की थी आप लोगों से कि लॉकडाउन के समय जो जिस तरह से संयमित लोगों को रहना चाहिए था, ये पाया गया है कि वहाँ पर लोगों ने उतने स्ट्रिक्ट तरीके से लॉकडाउन में अपने आप को संयमित नहीं किया था और वो बाहर घूमते रहे, आसपास घूमते रहे, और ऐसे लोग जो वहाँ प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे, जिनमें पूरी संभावना थी कि वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण संक्रमित हो सकते थे, वो व्यक्ति इधर उधर घूम के उन्होंने दूसरों को भी संक्रमण फैलाया। बावजूद इसके अन्य लोग जब जानते थे कि ये संक्रमित हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को कंटेन नहीं किया और वो लोग दूसरों के संपर्क में आते रहे। प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है और अब इनमें सख्ती बढ़ने के कारण अब निश्चित तौर पे हमने उस एरिया को पूरी तरह से कंटेन कर दिया। सर, 50% ऐसे मरीज सामने आए हैं जिनका कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, वो आइडेंटिफाई भी नहीं हो रहे हैं कि वो किस वजह से संक्रमित हुए हैं, ये एक चुनौती है। जैसा मैंने अभी बोला आपको कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जब हम करते हैं तो ये पाते हैं कि व्यक्ति का प्राइमरी कॉन्टैक्ट कौन है। जो ये बोल रहा है कि उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ जो संक्रमित था, मेरे से
एक व्यक्ति ए मिला वो बी से मिला तो बी संक्रमित हो गया, अब बी मुझसे जब सी मिला तो सी चूंकि मुझसे डायरेक्ट नहीं मिला है मगर वो बी के कॉन्टेक्ट में आया और संक्रमित हो गया, तो उसको ये लगता है कि वो तो मुझसे मिला नहीं तो कैसे संक्रमित हो गया, परंतु बी से तो मिला था वो। इसीलिए हमारी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है वो ए और बी को ढूंढना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और हम लोग इसी पे वर्क कर रहे हैं। अधिक मात्रा में हम लोग सैंपल ले रहे हैं, सैंपल की तुलना में जो अभी हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं वो अभी भी पॉजिटिविटी रेट हमारी अच्छी रेट चल रही है और इसमें पब्लिक को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर ये चुनौती रहेगी और मेरा बार बार ये अनुरोध है कि कृपया आंकड़ों पर न जाएं, ये एक संख्या है, अगर हम सैंपल लोगों की ज़्यादा करेंगे तो चूंकि ये वायरस सभी लोगों में फैल सकता है और इसकी संख्या से कोई महत्व नहीं है, हमें सिर्फ ये लोगों से अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बल्कि जो पर्सनल डिस्टेंसिंग होती है इसे बना कर रखें, ये एक अपनी आदत में डाल लें और अब ये मान के चलें कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना होगा और लाइफ स्टाइल को कोरोना पूर्व और कोरोना के साथ ऐसे दो भागों में बांटना पड़ेगा। अभी तक हम जो ज़िंदगी जी रहे थे वो एक अलग भाग था, अब आगे की जो ज़िंदगी हम जियेंगे उसे सोशल और पर्सनल डिस्टेंसिंग साथ में और पर्सनल हाइजीन के साथ में इस तरह से कुछ सावधानियां बरतते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा तभी हम कोरोना के साथ में रह पाएंगे। एक एक बात निकल कर सामने आ रही है कि कोरोना में अंडे खाओ तो प्रोटीन मिलता है, ये स्वास्थ्य विभाग कितना इससे? देखिए मैं किसी विशेष खाद्य पदार्थ पे तो जोर नहीं दूंगा लेकिन ये बात तय है कि आप अच्छा पौष्टिक भोजन लेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, लेकिन ये सभी चीज़ें तात्कालिक लाभ के लिए नहीं होती हैं, ये दूरगामी लाभ के लिए होती हैं और हमेशा ही आपको पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, किसी विशेष चीज़ के लिए मैं कभी जोर नहीं देता।